हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज़ 14.3 पॉइंट थ्री एट्थ एन मैथ्स का सॉल्यूशन तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कैरी आउट दी फॉलोइंग डिविजन्स तो आपको यहां पे डिवाइड करवाना है पार्ट वन में ट्वेंटी एट एक्स पावर फोर को फिफ्टी सिक्स एक्स से तो ट्वेंटी एट एक्स पावर फोर इज़ डिवाइडेड बाई फिफ्टी सिक्स एक्स तो आप देखिए पहले तो आप कैंसल आउट कर दीजिए ट्वेंटी एट से फिफ्टी सिक्स को यहाँ टू आएगा तो वन बाई टू अब एक्स पावर फोर है यहाँ एक्स पावर वन है जब बेस सेम हो डिवाइड के केस में पावर्स हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट तो क्या आएगा एक्स पावर फोर माइनस वन तो वन बाई टू एक्स पावर थ्री सेकेंड इसी का क्या मेथड है आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो ट्वेंटी एट एक्स पावर फोर का क्या मीनिंग है एक्स को हमें फ़ोर टाइम्स लिखना है मल्टीप्लाई में और डिवाइड में है फिफ्टी सिक्स एक्स तो कैंसिल आउट एक्स से एक्स कैंसिल आउट तो नोमिनेटर पे आप चेक करें एक्स थ्री टाइम्स है यानी कि क्या आएगा एक्स पावर थ्री और डिवाइड में है टू तो ये है इसका सेकंड मेथड तो आप जिस भी मेथड का यूज़ करना चाहो आप वो कर सकते हो लेकिन आप प्रेफर दीजिए इस मेथड को क्योंकि अब आप नाइन्थ क्लास के लिए जब प्रिपेयर करोगे अपने आप को तो आपको हाइयर मेथड ही अप्लाई करने पड़ेंगे तो सेकंड जो पार्ट है वो है माइनस थर्टी सिक्स वाई क्यूब इसको हमें डिवाइड कराना है नाइन वाई स्क्वेयर से तो नाइन से डिवाइड कीजिए थर्टी सिक्स को यहाँ फोर आएगा वाई पावर थ्री है नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में वाई पावर टू है तो वाई दोनों में है बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी माइनस फोर वाई आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और थ्री माइनस टू तो आंसर आ जाएगा माइनस फोर वाई पार्ट नंबर थ्री थर्ड पार्ट में सिक्सटी सिक्स पी क्यू स्क्वेयर आर क्यूब इसको डिवाइड करवाना है इलेवन क्यू आर स्क्वेयर से तो इलेवन से कैंसिल कीजिए यहाँ पे सिक्स आएगा अब पी नहीं है तो पी रहेगा सेम क्यू पावर टू है और डिनोमिनेटर में है क्यू पावर वन तो वन पावर हो जाएगी कैंसिल, ऐसे ही आर और r तो डिवाइड के केस में यहाँ भी पावर हो जाएंगी कैंसल तो यहाँ जब आप कैंसिल कर दोगे पावर तो यहाँ रहेगी पावर वन और टू पावर कैंसिल करा दोगे तब पावर यहाँ भी क्या रहेगी वन तो फ़ाइनल आंसर हमारा क्या आएगा सिक्स पी क्यू पावर वन आर पावर वन तो हम उनको सिंपली क्या लिख सकते हैं क्यू आर तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर पार्ट नंबर थ्री का नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट पार्ट फोर में आप देखिए थर्टी फोर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इसको हमें डिवाइड करवाना है फिफ्टी वन एक्स वाई स्क्वेयर जेड क्यूब से तो आप देखिए थर्टी फोर और फिफ्टी वन ये दोनों आते हैं सेवनटीन की टेबल पे थर्टी फोर को कैंसिल कीजिए टू आएगा फिफ्टी वन को कैंसिल कीजिए आंसर आएगा थ्री अब यहाँ है एक्स पावर वन और नोमनेटर में है एक्स पावर थ्री तो पावर हो जाएंगी कैंसिल तो यहाँ आएगी एक्स पावर टू y पावर टू है और यहाँ y पावर थ्री है तो टू पावर कैंसिल कर दीजिए थ्री में से तो क्या रहेगी पावर वन और जेड क्यूब और जेड क्यूब ये हो गए हैं कैंसिल आउट तो फाइनल आंसर जो अब आया है वो आया है टू बाई थ्री और क्या है एक्स पावर टू यानी कि एक्स स्क्वेयर वाई वन और जेड इसके अंदर नहीं है तो ये हमारा फाइनल आंसर है टू बाई थ्री एक्स स्क्वेयर वाई पार्ट नंबर फाइव फिफ्थ पार्ट में आप देखिए ट्वेल्व ए पावर एट बी पावर एट माइनस सिक्स ए पावर सिक्स बी पावर फोर तो आप सिक्स से कैंसिल करें यहाँ पे टू आएगा अब सिक्स पावर कैंसिल हो जाएगी एट पावर में से तो यहाँ भी टू आएगा और यहाँ आ जाएगा फोर क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट तो माइनस साइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो आंसर आएगा माइनस टू ए स्क्वेयर क्योंकि पावर टू रही है तो ए स्क्वेयर और बी पावर फोर तो ये सोल्यूशन था हमारा क्वेश्चन नंबर वन का अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन को स्टेटमेंट है डिवाइड दी गिवन पोलिनोमियल बाय दी गिवन मोनोमियल्स जो मोनोमियल हैं वो होते हैं वो एलजेबिक एक्सप्रेशन जिसमें ओनली वन टर्म हो तो आप चेक करें सेकेंड पार्ट में जिस नंबर से हम डिवाइड करवा रहे हैं वो सब सिंगल टर्म नंबर है तो वो होते हैं मोनोमियल तो आप देखिए इनको करना कैसे है इसमें आप कंसेप्ट सीखेंगे जो हमें कॉमन लेना है नंबर अब आप देखिए फाइव और सिक्स कोई भी नंबर कॉमन नहीं है लेकिन एक्स स्क्वेयर और एक्स पावर वन इसमें कॉमन क्या है एक्स तो कॉमन का मीनिंग होता है डिवाइड हमने एक्स ले लिया है कॉमन तो यहाँ आएगा फाइव एक्स यानी कि एक्स पावर टू में से वन पावर कॉमन है तो क्या रहेगा यहाँ पे एक्स माइनस साइन सिक्स एक्स पावर वन है और वही हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ एक्स नहीं आएगा अब डिवाइड में है थ्री एक्स एक्स से एक्स कैंसिल आउट तो आंसर आ जाएगा फाइव एक्स माइनस सिक्स बाय थ्री ऐसे ही हमें अब करना है पार्ट नंबर टू सेकेंड पार्ट में आप देखिए थ्री फोर फाइव ये इन तीनों में कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड करें तो अब y देख लेते हैं यहाँ y पावर एट है y पावर सिक्स है y पावर फोर है तो इट मीन्स y पावर फोर इन तीनों में है तो हम कॉमन क्या लेंगे y पावर फोर तो अब देखिए थ्री y पावर एट कॉमन का मीनिंग अभी मैंने पार्ट वन में भी आपको बताया कॉमन का मीनिंग है डिवाइड तो y पावर एट को y पावर फोर से आप डिवाइड करें तो क्या रहेगा y पावर फोर यानी कि फोर पावर इसमें से आ गई है कॉमन माइनस फोर वाई पावर सिक्स में से वाई पावर फोर कॉमन है तो क्या रहेगा यहाँ वाई पावर टू यानी कि वाई स्क्वेयर प्लस फाइव वाई पावर फोर और वही कॉमन है तो यहाँ कोई भी वाई वाली टर्म नहीं आएगी इसके साथ क्योंकि यही क्या आ गई है कॉमन और बाई में क्या है वाई पावर फोर तो ये हो गया है कैंसल आउट तो अब फाइनल आंसर क्या है थ्री वाई फोर फोर वाई स्क्वेयर प्लस फाइव तो ये फाइनल आंसर है पार्ट नंबर टू का अब करते हैं थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है तो इसमें आप देखिए फोर से पहले तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा एट तो यहाँ क्या आएगा टू तो नोमिनेटर पे टू आ गया है अब आप देखिए एक्स क्यूब नेक्स्ट में है एक्स स्क्वेयर फिर है एक्स स्क्र तो इट मीन्स तीनों में कॉमन क्या है एक्स स्क्वेयर फिर फर्स्ट टर्म में वाई स्क्वेयर है सेकेंड में वाई क्यूब है थर्ड में वाई स्क्वेयर है तो इसमें भी क्या कॉमन आ जाएगा वाई स्क्वायर ऐसे ही जेड स्क्वायर यहाँ भी जेड स्क्वायर सेकेंड टर्म में और यहाँ जेड क्यूब तो इन तीनों ही टर्म्स में जेड स्क्वायर क्या है कॉमन तो अब हमने कॉमन क्या लिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर तो आप देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन जेड स्क्वायर कॉमन एक्स क्यूब में से एक्स यानी कि एक्स पावर थ्री में से टू पावर कॉमन ले ली है तो यहाँ क्या रहेगा एक्स प्लस नेक्स्ट में आप देखिए एक्स वो कॉमन तो एक्स नहीं आएगा जेड स्क्वेयर वो भी कॉमन ये भी नहीं आएगा तो वाई पावर थ्री में से वाई पावर टू कॉमन लोगे तो क्या रहेगा वाई पावर वन इट मीन्स वाई प्लस लास्ट में एक्स स्क्वेयर वो कॉमन वाई स्क्वेयर ये भी कॉमन तो ना तो एक्स आएगा ना वाई आएगा अब जेड क्यूब जेड पावर थ्री में से जेड पावर टू कॉमन लेना है तो क्या रहेगा यहाँ पे जेड और डिवाइड में एक्स स्क्र वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर तो ये तीनों ही हो जाएंगे कैंसिल आउट तो फाइनल आंसर आएगा टू इन टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो ये था हमारा पार्ट थ्री का सॉल्यूशन फोर्थ पार्ट में आप देखिए ये स्टेटमेंट है नोमिनेटर पे जो एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स नोमरिकल नंबर कोई नहीं है जो इन तीनों को में कॉमन आए अब आप देखिए एक्स क्यूब एक्स स्क्र और x, x का मीनिंग है एक्स पावर वन तो नोमिनेटर में क्या कॉमन है ओनली एक्स एक्स क्यूब में से एक्स पावर वन कॉमन लीजिए आप तो क्या रहेगा एक्स स्क्र टू एक्स स्क् एक्स पावर टू में से वन पावर कॉमन आ गई है तो क्या रहेगा यहाँ पे एक्स प्लस थ्री क्योंकि थ्री के साथ क्या है एक्स पावर वन और वही क्या है कॉमन डिवाइड में टू एक्स एक्स से एक्स कैंसिल आउट तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस थ्री बाय टू तो ये फाइनल आंसर है पार्ट नंबर फोर का अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट में अब आप देखिए नोमिनेटर पे पी क्यूब क्यू पावर सिक्स माइनस पी पावर सिक्स इंटू क्यू क्यूब तो पी पावर थ्री और क्यू पावर थ्री नोमिनेटर में कॉमन है यही हम लिख लेंगे कॉमन अब पी पावर थ्री यानी कि पी क्यूब है वो ही कॉमन आ गया तो पी नहीं आएगा टम वन में क्यू सिक्स क्यू पावर सिक्स में से थ्री पावर कॉमन ली है तो कितनी पावर रहेगी थ्री पावर ऐसे ही पी पावर सिक्स में से थ्री पावर कॉमन ली है तो पी क्यूब यानी कि पी की थ्री पावर यहाँ पे रह जाएगी टम टू में और क्यू क्यूब वो आ गया है कॉमन तो क्यू नहीं होगा तो ये आप समझ जाएं कंसेप्ट कि कॉमन का क्या मीनिंग है डिवाइड तो अब ये हो जाएंगे कैंसल आउट तो फाइनल आंसर क्या आएगा क्यू क्यूब माइनस क्यूब तो ये था सॉल्यूशन हमारा फिफ्थ पार्ट का और हमने सेकंड क्वेश्चन को कर लिया है कंप्लीट थर्ड क्वेश्चन देखिए वर्कआउट दी फॉलोइंग डिविजन्स अब हमें इन डिविजन्स को सॉल्व करना है टेन एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव बाई फाइव इसके दो मेथड हैं इसको करने के एक तो इसको दोनों ही टर्म्स को फाइव से डिवाइड कराएं या अब आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो आप इन दोनों में से कॉमन लेना सीख जाएं कि फर्स्ट जो नोमिनेटर है हमारा इसमें से कॉमन क्या आएगा एक्स फर्स्ट टर्म में है सेकेंड में नहीं है तो एक्स तो कॉमन नहीं आएगा लेकिन अब टेन और ट्वेंटी फाइव ये दोनों किस कॉमन टेबल से डिवाइड होते हैं वो होते हैं फाइव से तो हमने फाइव कॉमन ले लिया है कॉमन का मीनिंग है डिवाइड टेन को फाइव से डिवाइड क्या आएगा टू और साथ में क्या है एक्स तो यहाँ पे क्या आया टू एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव को फाइव से डिवाइड तो यहाँ आ जाएगा फाइव और डिनोमिनेटर पे क्या है फाइव तो, तो ये हो गया है कैंसल आउट तो अब पार्ट वन का फाइनल आंसर है टू एक्स माइनस फाइव अब करते हैं पार्ट टू को देखिए टेन एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव इसमें भी है तो क्या कॉमन लिया था फाइव तो सेम प्रोसेस इसमें भी है फाइव कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा टू एक्स माइनस फाइव कैसे आया है टेन एक्स को फाइव से डिवाइड टू एक्स ट्वेंटी फाइव को फाइव से डिवाइड फाइव और बाय में क्या है टू एक्स माइनस फाइव सेम टर्म है दोनों ये ब्रैकेट सेम है कैंसल आउट हो जाएगी तो आंसर क्या रहेगा फाइव और यही हमारा फाइनल आंसर है पार्ट नंबर टू का तो अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में टेन वाई इंटू सिक्स वाई प्लस ट्वेंटी वन बाई में फाइव इंटू टू वाई प्लस सेवन अब आप देखिए फाइव से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा टेन क्या आएगा टू वाई तो यहाँ लिख देते हैं टू वाई अब सिक्स वाई प्लस ट्वेंटी वन इसमें ऐसा सिक्स और ट्वेंटी वन को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर है थ्री तो हम कॉमन क्या लेंगे नोमिनेटर में से थ्री सिक्स वाई को थ्री से मल्टी डिवाइड कीजिए आप तो क्या आएगा टू वाई ट्वेंटी वन को थ्री से डिवाइड कराएं तो क्या आ जाएगा सेवन और बाई में क्या है टू वाई प्लस सेवन तो सेम है ब्रैकेट तो ये क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट और फाइनल आंसर क्या आएगा टू इंटू थ्री सिक्स और साथ में क्या है वाई तो फाइनल आंसर हमारा बना है सिक्स वाई नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट नाइन से देखिए पहले ट्वेंटी सेवन को डिवाइड करें आप थ्री आ जाएगा अब देखो आप यहाँ x पावर वन है y पावर वन है और ऊपर है x पावर टू y पावर टू यानी कि स्क्वेयर है तो जब बेस सेम हो तो डिवाइड के केस में पावर्स हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट x पावर टू x पावर वन कैंसिल आउट होने के बाद क्या रहेगा यहाँ x पावर वन y पावर वन कैंसिल हो जाएगी टू में से यहाँ भी क्या आ जाएगा y पावर वन तो अब नोमिनेटर पे क्या है x पावर वन यानी x y पावर वन यानी y और इस ब्रैकेट में थ्री वाई माइनस ट्वेंटी फोर थ्री और ट्वेंटी फोर को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर है थ्री तो वो आ जाएगा कॉमन यहाँ आएगा जेड माइनस ट्वेंटी फोर को थ्री से डिवाइड करें आप तो क्या आ जाएगा एट बाई में यहाँ है थ्री अब एक्स वाई नहीं आप लिखोगे क्योंकि ये तो हमने कैंसिल कर दिया इसके साथ तो यहाँ आएगा ओनली थ्री और क्या है जेड माइनस एट तो थ्री से थ्री कैंसल जेड माइनस एट से जेड माइनस एट कैंसल तो आपके पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो क्या बचेगा एक्स वाई अब लास्ट जो इसका पार्ट है पार्ट नंबर फिफ्थ वो आप देखिए फिफ्थ पार्ट में नाइंटी सिक्स ए बी सी थ्री ए माइनस ट्वेल्व फाइव बी माइनस थर्टी बाई में ए माइनस फोर बी माइनस सिक्स ये वो पार्ट है अब नाइन्टी सिक्स ए बी सी फर्स्ट ब्रैकेट में से क्या कॉमन है थ्री और यहां क्या आ जाएगा a माइनस फोर कैसे आया है थ्री और ट्वेल्व को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर वो क्या है थ्री ए सेकेंड ब्रैकेट में क्या कॉमन है यहां पे फोर सॉरी सेकेंड ब्रैकेट में क्या कॉमन है यहाँ पे फाइव क्योंकि फाइव और थर्टी को डिवाइड क्या करेगा फाइव तो यहां आ जाएगा b माइनस सिक्स बाय में अब आप देखिए यहां क्या रह गया वन फोर्टी फोर यहाँ हम क्या लिख देते हैं वन फोर्टी फोर तो ये दोनों सिक्सटीन की टेबल पे कैंसल हो जाएंगे सिक्सटीन सिक्सा नाइन्टी सिक्स और सिक्सटीन नाइनजा वन फोर्टी फोर तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्स और बाय में आ जाएगा नाइन ए माइनस फोर बी माइनस सिक्स तो ए माइनस फोर से ए माइनस फोर कैंसिल बी माइनस सिक्स से बी माइनस सिक्स कैंसिल तो अब और देखते हैं क्या कैंसल होगा थ्री से कैंसिल कीजिए नाइन को थ्री आएगा थ्री से कैंसिल करें यहाँ पे आ जाएगा टू सिक्स को तो टू और फाइव मल्टीप्लाई होके क्या आ गया है टेन ए बी सी तो ये हमारा फाइनल आंसर बना है पार्ट नंबर फिफ्थ का और हमने सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है थर्ड क्वेश्चन तक नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चैनल के साथ आप जुड़ें जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करें